नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील के कलवाड़ गांव से दो बिना लाइसेंस के बंदूक के पुलिस ने जब्त की है। आपको बता दें, सूचना के आधार पर पुलिस ने एक शख्स के घर पर छापा मारा, जिसके बाद दो बंदूक समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील के कलवाड़ गांव के एक शख्स के घर पर छापा मारा गया, जिसके बाद पुलिस ने दो बंदूक के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25A और जीपी एक्ट और विजयनगर पुलिस ने लक्ष्मण भाई देवजी फेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजयनगर पुलिस सब इंस्पेक्टर मेहुल कोटवाल आगे की जाँच कर रहे हैं। बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने वाले आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक चैतन्य मांडलिक, DYSP DM चौहान, पुलिस सब इंस्पेक्टर मेहुल कोटवाल, विजयनगर के हेड कांस्टेबल गजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार और पुलिस के लोग विजयनगर के कलवाड़ ओपी क्षेत्र में एक निजी वाहन में गश्त पर थे। वे एक रिपोर्ट में आए कि बिना लाइसेंस के घर में बनाई गई बंदूक अवैध रूप से कलवाड़ गांव के एक व्यक्ति ने अपने घर में रखी हुई थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घर पर छापा मारा। एकल बैरल प्रति बैरल बंदूक दो के साथ आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आगे की जांच करके पुलिस अब जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।